समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ये सुप्त वज्रासना, आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने ऐसे पीछे की तरफ अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे पीछे को सीधे लेट जाते हैं। कोशिश करें कि आपके घुटने ऐसे आपस में मिले हुए हों और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे बात कर अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे स्पेस भी रख सकते हैं। ऐसे स्पेस रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस सुप्त वज्रासना को आप कीजिए। और फिर उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ऐसे ही इसे वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लें। अगर आप इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इस अभ्यास को ऐसे भी कीजिए। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रखते हुए और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में हम पीठ के बल लेटकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों पैरों को भी ऐसे आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करते हैं जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रखें और दोनों पैरों को ढीला छोड़ देते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ और निचले शरीर को एक साथ स्ट्रेच करते हैं। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही इस अभ्यास को आपने करना है। फिर सीधे इसके बाद हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। आपका पूरा शरीर बिल्कुल सीधा रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने बैठ जाते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे आगे की तरफ तने हुए हो। श्वास अंदर भरते हुए सीधे लेट जाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। ऐसे ही से आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। फिर ऐसे सीधे इसमें अब हम करेंगे हलासना और सर्वांग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करें।
ऐसे अपने पैर के अंगूठों को देखते हुए। यह अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ हो रहा है। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सर्दी जुखाम की शिकायत रहती है, नजला साइनोसाइटिस की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए यह बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही सर्वांगासन को करने के बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हैं, ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों, अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें, श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें, अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सर्वांगासन की पोजीशन पर आते हैं और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।